सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। अमृत है हर नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हारमोनियम क्लास यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त मैं अजय हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप दोस्तों इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपका उद्देश्य ही होगा, और इस वीडियो को अगर आप खास कर देख रहे होंगे सर्च करके तो आपका उद्देश्य यही होगा कि हम भी जो है गाना निकालना सीखें, हम भी हारमोनियम बजाना सीखें। तो निश्चित तौर पे दोस्तों मैं उस उम्मीद पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा, कुछ ना कुछ मैं हर वीडियो में सिखाने का प्रयास करता हूँ। इस वीडियो में भी बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेहतरीन चीज़ यह है दोस्तों कि देखिए, आप पहले ये ध्यान रखें कि सभी गाने, जितने भी दुनिया के गाने हैं, सभी के सभी गाने जो हैं सारे गामा पा धा निशा पे आधारित है। मतलब कि ये 12 बटन जो है इसी पे आधारित है, इसी से सारे गाना निकल जाता है। अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि जब यहीं से जब निकल जाता तो आप क्यों नहीं निकाल पाते हैं, बहुत बड़ा मतलब ये सवाल है। और इसका अगर देखा जाए हल तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और ना तो फिर बहुत मुश्किल है, है ना। अगर जो बजा लेता है, जैसे दोस्तों मैं बजाता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, जो मेरे मन में आ जाएगा बस मैं उंगली रखता हूँ और तुरंत मुझे पता चल जाता है कि कोई भी गाना मेरे माइंड में जैसे आ गया, और मैं आना और बजाना दोनों एक साथ होगा। हाँ, हो सकता है कहीं पे गड़बड़ी हो जाए तो उसको एक दो बार मैं कर लूँगा, अपने आप वो हो जाता है। श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बादाम अमृत पिलाने से क्या फायदा, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो आपने देखा कि अब एक साथ मतलब मैं उंगली रख रखा हूँ और मैं इसके ही गाने बजा रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, और भी जितने गाने मतलब मन में आते जाएगा मतलब बजाते जाऊँगा, उंगली रखे रहेगा वहीं से मैं आगे पीछे लेफ्ट राइट हो जाऊँगा, और कई गाने मतलब दुनिया के कोई भी गाना मतलब मैं प्ले करने के लिए तैयार हूँ। अब इसको अब ईश्वरीय शक्ति बोले, माता सरस्वती का कृपा बोले, और उसके साथ अपना प्रैक्टिस बोले, है ना, दोनों चीज़ों का वो सम्मिलन है दोस्तों। हमारा प्रैक्टिस है और जो है ये जो गॉड गिफ्ट, ये ऊपर वाला का एक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति जो है प्रदान हमें होता है, लेकिन वो उनका कृपा तब होगा जब जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भगवान का भी कृपा हम पे नहीं होगा, है ना। अगर ऐसा होता तो बिना कोई बजाए अपने आप सीख जाता, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करें तो कहीं जाकर आप जो है
बजाएंगे। प्रैक्टिस करना, देखिए दोस्तों सारे गामा का आपने प्रैक्टिस कर लिया है ना, तो लेकिन अच्छे से नहीं करते हैं, है ना, ऐसे बजा लेते हैं। आपका प्रैक्टिस है एक ही जगह से सारे गामा पधाने सा। नहीं, देखिए संगीत ऐसा है ना कि इसमें बिल्कुल आप अंदर इसको घुस जाए, जैसे बजा रहे हैं इसी को ना, बिल्कुल जो है ना, मतलब एक तरह रम जाना, एकदम इसमें घुल मिल जाना है। अब बात यह है कि एक ही रीड से नहीं, सभी रीड से करें। जैसे देखिए अभी का गाना निकालते हैं, श्री राम जान की बैठे हैं मेरे सीने में। तो देखे होंगे श्री श्री तो कोमल का, जबकि जब सारे गाम आप यहाँ से बजाते सारे गा श्री राम, तो ये कोमल का को आप अगर प्रैक्टिस में लाएंगे तभी ना आप श्री राम को निकालेंगे, चाहे कोई भी गाना अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो इसी के लिए मैं बताता हूँ कि आप जो सभी रीड से जो सारे गामा बजाएं, क्योंकि कौन सा रीड से कौन सा गाना निकले। अब देखिए मैं अगर गाना प्ले कर रहा हूँ तो अगर आप बोल देंगे कि अभी मेरे साथ बैठे हैं मान के चलिए, या मैं लाइव में हूँ, आप बोल देंगे कि कोई गाना जो है आप तो आप सभी रीडियो का जब तक जैसे अब लाइव में हमें या मेरे साथ है कुछ बता दिए कि ये गाना, तो हमें पता खुद नहीं होता है कि वो आखिर जो है गाना कहाँ से निकलेगा। लेकिन ये जो स्वर जो है ना, ये रीड बटन को जब दबाते हैं ना तो वो बता देता है कि कहाँ कितने ऊंचे पे आ ये जो गाना है। आप कोई भी गाना का नाम जैसे मान के चलिए आप ले लेते हैं ला 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 ला, तो अब हम रखते हैं अंगुली है ना, देखिए अगर यहाँ हम रखते हैं ला 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 मैं निकला, ये गाना सुनेंगे। देखिए गाना हो आप मंत्र उच्चारण क्यों ना करें, जैसे देखिए करपूर गौरम करुणा बतारम संसार सारम भुजगंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि ला 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 ला। तो क्या है, एक स्वर जो है जहाँ पे मैच कर रहा है और जैसे जैसे उतार चढ़ाव हो रहा है। देखिए सारे गामा पे आधारित है, हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे स्वर देख रहे हैं कि मेरे माइंड बोला हाँ ऊपर जा रहा है चलो ऊपर चलते हैं, तो देखें कि थोड़ा अब यहाँ नीचे जा रहा है, मैं नीचे मैच करेगा नीचे जाना शुरू करेंगे। अब इसी प्रकार के जो म्यूजिक है जो अपना मैं निकला घड़ी लेके गाया का है ला 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 हो हो हो, तो ये देखते मैच कहाँ पे करता है ला 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 ला, आप
ला 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 को अगर वो म्यूजिक वहाँ उसको ये गाना अप है, स्वर ही इसका जो ये जो ये बिल्कुल जो है आ ला हा ला, देखिए एक बना ला 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 दिल के अरमान बह गए है ना। ये देखिए गाना को भी तोलना है आपको, जो है माप तोल करने भी आना चाहिए कि कितने जो है स्केल इसका अप है कितने डाउन है, ये अगर आपको आ गया ना तो आप गाना निकालने में कमजाब। जैसे ये गाना जो आ, ला 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 ला, तो ये अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, देखिए नहीं मैच कर रहा, देख रहे हो अब ये हो गया। तो देखिए कोई गाना आप निकालना चाह रहे हैं ना, तो पहले उसको देखे कि ये कितने स्वर ये ऊपर से है ना, और आपका स्वर कहाँ पे मैच कर रहा है उस गाने के साथ में, आपका स्वर कहाँ पे मैच कर रहा है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ये नहीं कि आपका मैच भी नहीं कर रहा स्वर आप और आप जो ज़बरदस्ती लगे हुए हैं, तो वैसे देखो दोस्तों ये नहीं है। ये जो गाना जो ये संगीत जो है कोई भी काम आप कर रहे हैं ना, तो आप अगर सिस्टम से करेंगे तो काम बढ़िया होगा, और सिस्टम के नियम के विरुद्ध जाएंगे तो वो बिल्कुल ही जो नहीं हो पाएगा। आप चाहेंगे कि मैं गाना निकाल दूं तो नहीं निकलेगा। मैं बताता हूं दोस्तों कि आसान ये जितना आसान है ना उतने ही मुश्किल है। सही तरीके से आप चलते हैं, सही तरीका यह है दोस्तों कि आप जो है बढ़िया से जो है ईश्वर ज्ञान आप पहले आपको होना चाहिए गाना निकालने के। ईश्वर ज्ञान का मतलब ये होगा कि अगर कोई पाप पे उंगली रख के बताए आपका आँख बंद है अगर ये दबाए तो आपको लगे कि ये पा बोला है, या और ये इतने स्वर है ये माँ है कोमल नहीं है धा है, मतलब बारहों स्वर आपको ना बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में हो जाना चाहिए कहीं कुछ बजे। और इसके लिए आपको तीन चीज़ करना पड़ेगा दोस्तों, तीन चीज़ नॉर्मल आप कर लें, जैसे जो सारे गामा सभी रीड से बजाएं सारे गामा पा धा नी सा, जैसे यहाँ से सारे गामा पा धा नी सा, फिर यहाँ से बजाएं सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, फिर यहाँ से भी बजाएं सारे गामा पा धा इस प्रकार सभी जगह से आप बजाएं। और उसके बाद जो है थर्ड दस जो थर्ड होता है, जैसे कि किसी में कोमल नीचे जो कल्याण हो गया खमाज हो गया भैरवी, दसों थर्ड को आप करें बढ़िया से प्रैक्टिस करें। और अलंकार के जैसे जो है रे गा मा पा धा नी
धा नी सा सा नी धा प म नी धा प म ग धा प म म धा प म ग रे प म ग रे सा। तो इस प्रकार से और कई अलंकार है, और बाकी अलंकार आप भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ इसको दो बार, तो आप पांच बार कर सकते हैं, छह बार कर सकते हैं। आप एक बार सा रे को करें, रे गा को करें, एक बार करें सा रे गा, फिर करें सा रे गा मा, फिर एक बार करें सा रे गा मा, फिर करें रे गा मा पा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं अलंकार। तो तीन चीज़ें आप करें, और जब भी गाना निकालते हैं आप उसको तौलिए, आप उसको वेट किए। सारे गामा बजाते हैं तो आप ऐसे नहीं कि मतलब नहीं नॉर्मल ऐसे ही बजा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, बज कहीं और रहा है, उससे नहीं होगा। मतलब बजाने से मतलब नहीं, बजाने से नहीं, समझने से मतलब है कि कितने जो है अप डाउन में ये बज रहा है और कितने अप डाउन में इसका स्वर है। तो अच्छी तरीके से आप करें दोस्तों और गाना जो है निकल जाता है, ऐसा कुछ ये मुश्किल काम नहीं है। गाना का पहला शब्द अगर आपको निकालना हो तो पहला शब्द के लिए क्या करें, पहले आप गाएं कोई भी गाना जैसे आपको निकालना हो, तो जैसे श्री राम जानकी, श्री राम जानकी, तो देख रहे हैं स्वर ऐसे ही बता रहा है, गाना ही बता रहा है कि ये डाउन में है। अब इसको मैं यहाँ निकालूं, ये नहीं मैच करेगा। देख हम पहला पढ़ देंगे, अब इसको यहां से अगर देखिए फट रहा है आवाज, ये अप हो गया मां, ला 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 अप हो जाता है। तो अप डाउन का ख्याल रखें, स्वर को देखें कितने हाई में है, कितने लो में है, कितने मीडियम में चल रहा है, कहाँ पे मैच कर रहा है, और निकाले दोस्तों सब गाना निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी किसी प्रकार का समस्या आपको हो गाना निकालने संबंधी तो हमारे और भी वीडियो को देखें, और हो जाएगा ना हो फिर भी आपको कोई सपोर्ट लेना हो तो हमारे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।